प्लास्टिक के कचरे से आकर्षक सामान बनाने की तैयारी। प्रदेश में प्लास्टिक के कचरे से बनेगा खूबसूरत फर्नीचर। सिडकुल में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्लांट लगाने की तैयारी। तो सिडकुल में होगा प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्लांट का शिलान्यास। केंद्र का पंचायती राज विभाग लगाएगा रीसाइक्लिंग प्लांट। तो रीसाइक्लिंग प्लांट के लिए केंद्र ने 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो इसके जरिए पर्यावरण को दूषित करने की कोशिश होगी। तो प्लास्टिक के कचरे से आकर्षक सामान बनाने की तैयारी के चलते ये रीसाइक्लिंग प्लांटिंग का आयोजन। संवाददाता अजीत काम्बोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजीत, प्लास्टिक के कचरे से आकर्षक सामान बनाने की तैयारी उत्तराखंड में, और जिसके लिए 3 करोड़ की राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो देश विदेश सभी जगहों पर एक ये नासूर की तरह बन चुका है, जिसको रिसाइकलिंग को लेकर तमाम तरह के वायदे कानून बनाने की बात जरूर होती है, लेकिन असल धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। वहीं अब केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग ने बड़ी पहल करते हुए उत्तराखंड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का फैसला किया है, जिसकी प्रथम किस्त के तौर पर 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृति कर दी गई है। और आने वाली 9 फरवरी को केंद्र सरकार के 9 मंत्री इन चीजों को सीधे तौर पर केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो 9 फरवरी को इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। सिडकुल के निकट केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 9 फरवरी को इसका शिलान्यास करेंगे, जो आने वाले समय में आकर्षक फर्नीचर के तौर पर या सजावटी वस्तुएं जो होंगी वो वृक्ष प्लास्टिक से बनती हुई नजर आएंगी। सरकार की कोशिश यही होगी कि जो कचरे के तौर पर एक घरों से या सार्वजनिक स्थानों से प्लास्टिक उठाया जाता है, उसको इस रीसाइक्लिंग प्लांट के माध्यम से नए रूप में ढाला जाए, जिसके माध्यम से चाहे फिर वो प्लास्टिक की सजावटी चीजें बनाई जाए या फिर फर्नीचर बनाया जाए, उसका यूज किया जाए कैसे भी करके, जिससे वो पर्यावरण को ना नुकसान पहुंचा सके और ना ही पशुओं के लिए वो हानिकारक हो। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।